मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। ये देखो सुबह हो गई है, सुबह का मौसम देखो आज कितना अच्छा है। ये सूर्य देखो, इधर है हमारे गिया की बेल, ये काफ़ी बड़ी बेल है और इसकी खूब सारी गिया लगती है, तो आज हम तोड़ लेते हैं। गिया की सब्जी बनाएंगे आज हम, और एक को छोड़ देते हैं अभी। ये देखो देखो कितनी बड़ी गिया है हमारे खेत की। इधर नींबू और अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, और इधर है अंगूर की बेल, और इसके चारों तरफ फैली हुई है ये गिया की बेल। इसके खूब सारी गिया लगती है, और ये देखो हमने तीन गिया तोड़ ली है और आज इसकी सब्जी बनाएंगे। आज हमने हमारा ये इकट्ठा किया हुआ कचरा जला रहे हैं, ये पेड़ थे इन सब की इधर से छटाई कर दी है, क्योंकि ये खेत बाने में दिक्कत कर रहे थे, इसलिए इन सब सारे पेड़ों की छटाई कर दी है और इकट्ठा करके इधर ये कचरा जला रहे हैं। और मम्मी इधर लगी हुई है, ये देखो मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी, ये देखो। गुड्डू क्या कर रही हो? आटा खा रही हो ना? क्या कर रही हो? आज के बन रहा है। आज ये बच गया।
बहुत मर गई। ਡਿਊਗੀ ਗਾਲ ਦੇ ਰੋਪਰ ਨਾ ਆ ਤੂੰ ਮਾਏ ਆਖੀ ਰੋਟੀ ਆ ਚੋਕੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਆਈ। ਅਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਏ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਏ ਜੀਵ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਛੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੋਰੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ। इस गोरी गाय के लंपी होने के बाद भी इसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन टाइम से पहले डिलीवरी हुई है इसकी। अभी डिलीवरी का टाइम नहीं था, थोड़ा सा पहले हो गई है। अभी 15 दिन बाकी थे, अभी 15 दिन पहले इसकी डिलीवरी हो गई है। ये देखो अपने बच्चे से प्यार कर रही है। अभी खुद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है, ये देखो दौड़ी गाय बची ले है ना, मौज उगी माँ मौज उगी भाई ये बची उगी दौड़ी गाय मौज उगी भाई। अरे ये बची गाय की जैसी नहीं है, काली काली है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन ब्राउन है इसका कलर। बच्चा हमने लिया की है, ये बाछा नहीं है बाछी है, कंफ्यूज हो गए थे इतनी देर। और इधर मम्मी देख रही है वीडियो कॉल में, ये देखो अरे बाछी है टेलीफोन चढ़ो आंतर को नहीं मन नहीं है तो नहीं करियो आरू आरू ये कौन है? ये थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, हमारे घर पे नया मेहमान आया है ना, तो थोड़ा सा डांस करो, डांस करो। वाह वाह, और दीदी को देने वाली है ये सरप्राइज, देगी ना? हमारी सट्टू आएगी ना, सट्टू भी बहुत खेलेगी इनके साथ। हाँ, दूध पिलाएगी सट्टू इसको और आरू दूध निकालेगी इसका ना। आज हमारी गौरी ने हम सबको सरप्राइज दे दिया है और हम सरप्राइज आज गौरी की बेटी एकदम स्वस्थ है पूरी। हमारी गौरी तो लंपी से लड़ गई है और जीत गई है और ये देखो पूरी ठीक हो जाएगी अभी और उसने स्वस्थ बेटी को भी जन्म दे दिया है एक। हम तो इसकी डिलीवरी आज होने वाली थी तो थोड़ा डर गए थे कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है इसलिए। और हमारे घर हमारे आसपास में बहुत सी गायें बीमार हैं, बहुत गायों को लंपी हो रही है, बहुत सी गायें हैं वो मर रही है, दवाई देते देते भी ठीक नहीं हो रही है। और आसपास जो हमारे आसपास जो डेयरी फार्म है वहाँ पर काफ़ी गायें मर चुकी हैं, दवाई देते देते भी वो ठीक नहीं हो रही हैं। हमारी गोरी दूध देने में बहुत अच्छी है, तो जब इसकी लंपी हो गई थी तो घर वाले बहुत परेशान हो गए थे कि हमारी गोरी को अब क्या होगा, लेकिन हमारी दोनों गायें अभी ठीक हो गई हैं तो अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी इस बछड़ी को हम दूध पिलाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी कमज़ोर ही है, देखो दुबली पतली सी है क्योंकि इतनी भयंकर बीमारी थी। तो ये देख लो कि इतनी तेज़ बुखार आ गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गई थी, फिर भी ये देखो हमने तो सोच लिया था हमारी गोरी नहीं बचेगी। अभी अपने थनों में दूध भी प्रिपेयर कर लिया, ये देखो दूध टपक रहा है। ऐसे बोलते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो अभी हम बछड़ी को दूध पिलाएंगे।
हमारे यहाँ पर भी जब कोई गाय नए बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले उसका दूध बच्चे को नहीं पिलाते हैं, हमारे यहाँ पर भैरव जी महाराज को ज़्यादा मानते हैं तो सबसे पहले उसको ही भोग लगाते हैं और उसका दूध, ये जो चारों थन है उसकी एक एक धार भैरव जी महाराज के लिए यहाँ पर ही नीचे निकाल देते हैं आज के लिए तो, और बाद में धूफे पे भी भोग लगाते हैं इनका। ये इस तरह से ऐसे दूध निकाल के बोल देते हैं कि भैरव जी महाराज हमारी गाय को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, खूब दूध देना, और फिर बछड़े को दूध पिला देते हैं। अभी बछड़ी खड़ी नहीं हो रही है तो अभी इसको थोड़ी देर में दूध पिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे हार्ड टास्क यही होता है छोटे बच्चे को दूध पिलाने का,